आने का मौका है। अब बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मैम बताइए, आज क्या चुना है आपने वीआईपी शेयर के तौर पर? वीआईपी शेयर के तौर पर क्या चुना है आस्था, बता पाएंगी? ठीक है, हमारे साथ आशीष माहेश्वरी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं वीआईपी शेयर बताने के लिए। आशीष जी स्वागत है टीवी नाउ स्वदेश पर आपके, बताइए क्या है आज आपका वीआईपी शेयर? जी जो वीआईपी स्टॉक मैंने आज आइडेंटिफाई किया है वो है रूट मोबाइल लिमिटेड। मेरा मानना है 1250 के लेवल पे स्टॉक को बिल्कुल परचेज किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी ने जो अपना बायबैक अनाउंस किया है उसका जो प्राइस है वो काफी ऊपर है। करीब 1700 रुपए पर कंपनी बायबैक करेगी 120 करोड़ रुपए की वैल्यू के शेयर्स, तो एक सपोर्ट स्टॉक को मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि कंपनी ने लास्ट जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन किए हैं तो उसका रिजल्ट्स हमें आगे आने वाले दो क्वार्टर में अच्छा, क्योंकि कंपनी के साथ में उनकी वर्किंग इंटीग्रेट हो गई है, तो वहां देखने को मिलेगा। और कंपनी को एक बड़ा अकाउंट जो SBI का मिला है उसका जो नंबर्स में रिफ्लेक्शन भी इस क्वार्टर से आने लगेगा, तो मुझे लगता है जो वर्स्ट ओवर हो गया है, क्योंकि 2300 रुपए से स्टॉक गिर के ऑलरेडी 1200 रुपए के लेवल पे आ गया है, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यूएशन का या रिच वैल्यूएशन के फियर थे वो खत्म हो गए हैं। और कंपनी एडिक्वेटली कैपिटलाइज भी है, क्योंकि कंपनी ने करीब 850 करोड़ रुपए QIP से भी रेस कर रखा है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस लेवल पे एक वैल्यू पाएंगे। और 1500 रुपए का मेरा प्राइस टारगेट अगले 3 से 6 महीने के बीच में रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष जी। तो रूट मोबाइल चुना है, बायबैक भी लेकर आई है कंपनी, हालांकि चूंकि ओपन मार्केट से बायबैक कर रही है तो इन्वेस्टर जो हैं उतना ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आज देखिए फिर भी 2.5% ऊपर है ये शेयर, और 6 से 12 महीने का लक्ष्य इसमें होगा 1500 रुपये का। ठीक ठाक अच्छे अच्छे टारगेट्स मानने चाहिए अगर हम 6 महीने की बात करें तो। चलिए लेकर आएंगे आपके लिए मुनाफे का ऑप्शन। स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर आपको मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए। स्नेहा शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बताइए आज क्या है मुनाफे का ऑप्शन आपकी तरफ से? मुझे ICICI बैंक ही काफी अच्छा लग रहा है बैंकिंग स्पेस से। अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन राइजिंग ट्रेंड लाइन के आसपास ही कल थोड़ा सपोर्ट ले रहा था, बीच में भी थोड़ा सा करेक्ट हुआ था उसके नीचे, बट वहाँ उसके ऊपर काफी टाइम से सस्टेन कर रहा है, तो मेरा मानना है कि यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। मैं ICICI बैंक में 720 की जो जुलाई सीरीज की कॉल है उसे बाय करने की सलाह देंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 9 एंड अ टारगेट ऑफ 27.5। ठीक है, ICICI बैंक पर भरोसा है, 720 वाली आपको कॉल खरीदनी है अगली सीरीज की, यानी कि जुलाई सीरीज की।